स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के जरिए ग्रेटर नगर निगम अब सफाई को और भी मजबूत देने का कार्य करेगा। तीन चरणों में शुरू होने वाले स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत कल से होगी। वहीं जो वार्ड इस कार्यक्रम के तहत सफाई में सबसे अव्वल आएगा उसको 31 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। स्वच्छता की अलग जगाने के लिए जोन स्तर पर कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। ग्रेटर नगर निगम कल से स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके साथ ही प्रभावी रूप से मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में अवकाश के दिन भी विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण डिपो फ्री वार्ड को मजबूती प्रदान की जाएगी। जो वार्ड इन सभी कार्यों में अव्वल आएगा उसको 31 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। दूसरे स्थान पर आने वाले वार्ड को 21 लाख रुपए और तीसरे स्थान पर आने वाले वार्ड को 11 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। स्वच्छता पखवाड़ा को देखते हुए सभी अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई। आमतौर पर अधिकारी फील्ड में नहीं जाकर दफ्तर से ही सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग करते, लेकिन अब स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत सभी वार्डों में निगम के एक एक अधिकारी को प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे फील्ड में रहकर वार्ड की रिपोर्ट जोन आयुक्त को देनी पड़ेगी। इसके साथ ही जोन उपायुक्त को अपने जोन में फील्ड पर रहेंगे और सफाई के कार्यों की रोज प्रगति रिपोर्ट फील्ड अधिकारी से लेकर जोन उपायुक्त मुख्यालय नोडल अधिकारी को देंगे। इसी के साथ पर्यावरण अभियंता भी जोन वाइज सफाई कार्यों का दौरा करेंगे। स्वच्छता पखवाड़ा को देखते हुए महापौर सौम्या गुर्जर ने सभी सफाई कर्मचारी और अधिकारी को साफ साफ शब्दों में दो टूक बात कह दी है कि अगर सफाई कार्य में ढिलाई बढ़ती तो फिर 17 CC का नोटिस दिया जाए। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को हम स्वच्छता पखवाड़े के रूप में या स्वच्छता ही सेवा के रूप में मना रहे हैं और इस कार्यक्रम को नगर निगम ग्रेटर के द्वारा सारे CSI SI सबको फील्ड के अंदर लगातार रहने के लिए और 150 वार्डों के 150 सुपरवाइजर बना दिए गए हैं और साथ ही एनवायरमेंट के आयंस हैं उनको जोन वाइज मॉनिटरिंग के लिए दे दिया गया है। जोन डिसीज भी 4 घंटे फील्ड के अंदर रहेंगे और सारे सुपरवाइजर 4 घंटे में फील्ड में रहकर विकास समितियां वार्ड पार्षदों के साथ में मिलकर वार्डों के अंदर काम करेंगे और वार्डों के अंदर डिपो रहित वार्ड कहीं भी वार्ड में खुले में कचरा नहीं दिखाई दे इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।